press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले में बाहरी इलाकों से नाबालिग लड़कियों को लाकर उनसे देह व्यापार कराने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने थानागाजी क्षेत्र के गांव लाहका बास स्थित अड्डे पर छापामार कार्यवाही की। इस अड्डे से 4 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, वहीं 10 युवतियां मौके से फरार हो गई। मुक्त कराई 4 लड़कियों में एक नाबालिग अविवाहित माँ है, जिसके 2 बच्चे हैं जो उसके भाई बहन के पास भरतपुर में रहते हैं। लाहका बास में देह व्यापार का धंधा काफी समय से चल रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने अभी तक यहां कोई कार्यवाही नहीं की। मुक्त कराई गई लड़कियों में 3 भरतपुर और 1 गांव सहाड़ी अकबरपुर की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि उन्हें यहां पर कौन लाया था। उधर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रवण सिंगल का कहना है कि गांव लाहका बास में बाहर से लाई गई बालिकाओं को बंधक बनाकर अनैतिक काम करवाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मानव तस्करी निरोधी यूनिट प्रभारी राम रूप मीणा के नेतृत्व में छापा मारा गया। मुक्त लड़कियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से समिति ने उन्हें मदर टेरेसा होम भेज दिया। 4 नाबालिग लड़कियों का आज मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। हमें जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि थानागाजी में लाहकाबास जगह जहाँ वैश्यवृत्ति का कार्य हो रहा है और नाबालिग बच्चियों से ये कार्य कराया जा रहा है, इस पर मानव तस्कर यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम गठित की गई और वहाँ पर छापा मारा गया तो 4 नाबालिग बच्चियों को हमने बरामद किया है, जिनको लेकर हम यहाँ आए हैं और जिनको हमने बालिका आश्रय गृह में रखा हुआ है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर खार से सूचना मिली थी कि थानागाजी क्षेत्र के लाहा के पास में 10-12 लड़कियां देह व्यापार के लिए लाई हुई है बाहर से खरीद कर और उनको बंधक बना रखा है और देह शोषण उनसे डेली करवाया जाता है। सूचना पर चाइल्ड लाइन टीम को और मानव तस्करी की टीम, दोनों टीमें एक साथ गई। SHO थानागाजी को साथ में लेके वहाँ पर छापा मारा, उसमें से काफ़ी लड़कियाँ पास में नाला होने की वजह से उसमें भाग गई। 4 लड़कियाँ वहाँ से बरामद हुई है, उनमें 3 लड़कियाँ भरतपुर की है, 1 अलवर की है।